फाइनल रिचुअल्स इन माई मैरिज अंतिम विध जो हुआ मेरी शादी में ये पार्ट सिक्स है ऑफ माई सेल्फ इसका हम नाम दे देंगे ना माई लाइफ ए टू जेड ये भाई पार्ट सिक्स है बिथ करी इज अ ब्यूटिफुल मैरिड वूमेन शादी शुदा सुंदर औरत होती है शी हेल्प्स इन कंडक्टिंग द मैरिज रिचुअल्स और जो विध होता है शादी का ना यही विधकड़ी जो है उसको मैंने मदद करती रहती है बीत खड़ी श्री जक्सपुर सुशीला एंड मी तो वो क्या की हमको सुशीला को सटा दी जक्षपूर में तो सटाना आई वॉज इन द फ्रेंड हम सामने में थे और सुशीला वॉज एट माई बैक वो मेरे पीठ पीछे थी माई राइट हैंड वॉज़ टेकन टू माई बैक मेरा दाइना हाथ पीछे ले गया, गया और माई राइट पाम वॉज प्लेस्ड सुशीला राइट पाम और मेरे दाइने हाथ के तलत्थी पर उसका दाया तलत्थी रखा गया दिस वॉज माई फर्स्ट फ्लैश टू फ्लैश कॉन्टैक्ट विथ सुशीला तो सुशीला के शरीर से ये मेरा पहला संपर्क था हर फिंगर्स और लूज उसकी उंगलियाँ एकदम ढीली थी नर्वस एंड स्वेटिंग पसीना उस हाथ से चल रहा था आ पाम स्टार्टेड स्लिपिंग आउट ऑफ माई पाम तो मेरी थलक्ती से उसकी थलत्ती पिछड़ने लगी आई टू ग्रिप हर पाम टाइट उसके पाम को हमको कस के पकड़ना पड़ा आ हैंड्स और कवर्ड विथ हर साड़ी एंड माई धोती और हम लोग का हाथ दोनों का हाथ था ना उसकी साड़ी से मेरी धोती से ढका था सो दैट ओनली सुशीला एंड आई न्यू वॉट वी डिड विथ हा ताकि हम ही दोनों को मालूम था हम लोग अपने तलत्थी से हाथ से अंदर में क्या कर रहे थे ये पर्दा के लिए दिया था पेज टू में मारे वी वेयर ब्रॉट टू द मंडप अब देखिए हम लोग को वही करीब मंडप पर लाई द प्लेस वेयर आ मैरिज वॉज फाइनलाइज्ड और इसी मंडप पर ना शादी फाइनल हुआ जाता है वी हैड टू सिट साइड बाई साइड ऑन द फ्लोर ऑन अ कुशन हम लोग को अगल बगल बैठना पड़ा कुशन पर कुशन पर दरी पर छोटा सा देर वॉज अ स्मॉल फायर मेड ऑफ ड्राई मैंगो स्टिक्स इन फ्रंट ऑफ वो छोटी सी आग आम के सूखी डाली सबसे कोई गुटा से भी उसको बना दिया गया था वहाँ पर द प्रीस्ट सिटिंग ऑपोजिट और चैंटिंग मंत्र जो है पंडित जो है ये क्या कहते हैं हम और के हम लोग के सामने बैठे थे मंत्र उजाप रहे थे संस्कृत में आई है मंत्रो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ द संस्कृत हमको दोहराना था तोता की तरह हम नाइन्टी नाइन परसेंट तो समझे ही नहीं सुशीला हैव टू रिमेन साइलेंट विथ हर एंटायर फेस कवर्ड विथ द फेल ऑफ अर लॉन्ग साड़ी और सुशीला को एकदम चुप रहना था और पूरा पूरा चेहरा जो उसका ढका हुआ था उससे आँचल से साड़ी की लंबी साड़ी के आँचल से द flesh फ्लेश टू फ्लैश contact कॉन्टैक्ट वो हो कॉन्टैक्ट देट वी हैड वजनर राइट हैंड वॉज प्लेसड ऑन माई राइट हैंड और दूसरा बॉडी कॉन्टैक्ट जो है फ्लेश टू फ्लेश हुआ क्या हुआ तो उसका दाहिना हाथ मेरे दाहिना हाथ पर रख दिया गया This lasted for a long time while the mantras went on. ऑन ये काफ़ी समय तक इसे हाथ उसका हाथ मेरे हाथ पर रखा रहा गया और मंत्र सब लोग जबते रहे पुरोची और हम भी अब हमारे पेज थ्री में द मोस्ट इंटीमेट अब देखिए क्या होता है द मोस्ट इंटीमेट फ्लैश टू फ्लेश बॉडी कॉन्टैक्ट वेन आईंट अन ऑइंट सुशिला चेस्ट बिटवीन अ ब्रेस्ट विथ माई राइट हैंड रिंग फिंग का सबसे क्लोज बॉडी कॉन्टैक्ट क्या होता so है इंटीमेट सब क्लोज घनिष्ट कॉन्टैक्ट था जब हमको क्या कहते हैं उसको सुशीला के छाती को चंदन लगाना था टीका लगाना था टीका बिटवीन अ कहाँ पर बिटवीन अ ब्रेस्ट उस छाती ब्रेस्ट के बीच में विथ माई राइट हैंड रिंग फिंगर और अंगूठी ये रिंग फिंगर कहते इसको इसको रिंग फिंगर कहते कहाँ गया मेरा रिंग फिंगर रिंग फिंगर यहाँ ये अंगूठी जिसमें अंगूठी पहनते हैं रिंग फिंगर तो उसे हमको वहाँ पर लगाना था एट अ क्वियस्ट सेंसेशन पुटिंग माई हैंड इन टू सुशिला ब्लाउज और सुशीला के ब्लाउज में हाथ घुसाना मेरे लिए विचित्र लग रहा था आई थिंक द बिथ कड़ी गाइडेड माई हैंड याद नहीं लेकिन लगता है बिथ कड़ी कुछ मदद की हमको अपने उसके ब्लाउज में हाथ घुसाने के लिए द फाइनल रिचुअल अ सप्तपदी फाइनल रिचुअल क्या था सप्तपदी और एक तो भूल जाते हैं यहाँ पर सिंदूरदान फाइनल रिचुअल बहुत सप्तपदी सेवन राउंड अराउंड दी होली फायर और अग्नि देवता के बीच में अग्नि और सात राउंड एक राउंड दो राउंड तीन राउंड चार राउंड पाँच छः सात राउंड हमको लेना था सात राउंड आई वॉज लीडिंग सुशीला वॉज फॉलोइंग हम आगे थे और पीछे पीछे हुई थी मंत्रास डिंग द ओथ्स डिक्लेरिंग दैट आई वुड प्रिजर्व देंचुरी ऑफ मैरिज और उस समय मंत्र जपते रहे बोल बोलते रहे और ये सब मंत्र क्या था ये कसम था अग्निदेवता के सामने कि हम जो शादी का जो सब रसम हम इज्जत शादी का इज्जत हम निभाएंगे सुशीला हैव टू तो कीप मम और सुशीला को एक चुप रहना था मम मैं चुप रहना था मम। क्या है देशन दैट कम्स टू माई माइंड आफ्टर अबाउट सिक्सटी ईयर्स ऑफ माई मैरिज इज वाई इज द ब्राइट गिव इन सच अ पैसि रोल इन अ मैरिज रिचूल कहते हैं द क्वेश्चन दैट कम्स टू माई माइंड अबाउट सिक्सटी ईयर्स आफ्टर आर मैरिज इज क्या है वाई इज अ ब्राइट गिव इन सच अ पैसि रोल इन अ मैरिज रिचूल दुल्हन को औरत को इतना पैसि रोल क्यों दिया था? कुछ को बोल रहे हैं चुप पिता तुरंत बिज में रहती है ये हमको विचित्र लग रहा है इसी ओनली टॉय बोल रहे हैं पूछ रहे हैं कि ये जो लड़की जो है क्या टॉय खिलौना है इन देंड्स ऑफ द मेल मेंबर्स क्या ये लड़की सब मेल मेंबर के हाथ में क्या खिलौना है आफ्टर आई मेड द वाउज ऑफ मैरिज बिफोर द गॉड ऑफ फायर आई वॉज क्वालिफाइड टू अपलाई वर्मोलियन ऑन सुशीला फोर हेड बिटवीन अर इक्वली पार्टेड है जब कसब हम खा लिए तो हम क्वालिफाइड हो गए क्या है किसके लिए उसको so, सिंदूर लगाने के लिए वर्मोलियन ऑफ सिंदूर ऑन सुसाज फोर हेड बिटवीन अर इक्वली पार्टेड है अब देखिए वर्मिलियन इज़ अ श्योर साइन ऑफ अ मैरिड वूमेन इन आस एरिया हम लोग एरिया में सिंदूर एकदम पक्का निशानी है कि ये मैरिड है वाइज मेल मेंबर सीज द रेड साइन बोर्ड एंड कीप्स अ डिस्टेंस होशियारपुरी जो है उसके रेड साइन बोर्ड को वर्मिलियन के देख उसे दूरी रखता है उसे तो शादी सुधार दूर रखना है इट वॉज अबाउट टू टू थ्री एम इन द नाइट अब रात के वक्त में दो तीन बज गया था सुशीला तो एंड आई वो फाइनली मैरिड तो मेरी फाइनली शादी हो गई आई विद लव टू एंटर माई कोवर द रूम इन विच लव लवार्स तब हमको कोवर कहता था कोवर का उस रूम में हमको जाने का परमिशन मिला जहाँ पर कंजूगर लव्स कंजुगर लव मतलब जहाँ पर सेक्स शुरू होता है कंजूगर लव मीन सेक्चुअल लव इन मैरिज कंजूगर लव सेक्सुअल लव इन मैरिज में और शुरू होता है कोवर में ऑन द फ्लोर अ डबल साइज बेड विद रेड बेड शीट वॉज वेटिंग फॉर मी वहाँ पर देखे गए थे तो जमीन पर एक बिछावन था जहाँ तक वो याद है लाल चादर बिछा हुआ था वेटिंग फॉर कहीं कहीं सबसे चादर बिछाता है अपना अपना अलग है विश्वास तो क्या कहते हैं यहाँ पर एक बिछाता आफ्टर मील ऑफ मिल्क राइस पॉरेज स्वीट्स एंड फ्रूट्स आई वॉज ग्लैड टू रिलैक्स ऑन द पुष्ट भोजन खिलाया जाता है चाय शायद नमक नहीं दिया जाता है नमक नहीं देते नो सॉल्ट तो यहाँ पर खीर खीर था पॉरेज स्वीट्स मिठाई फल ये सब था उसको खाने के बाद उनको बट हम क्या बिछावन पर सोना चाहते थे लेटना चाहते थक गए थे अब पेज फाइव में हम आ गए सम डेज बिफोर माई मैरिज अब देखिए क्या घटना क्या है रिस्पेक्टेड टीचर ऑफ द मिथिला एरिया एट एडवाइज में और शादी के कुछ दिन पहले ही एक आदरणीय शिक्षक हमारे थे हमको कुछ सलाह दिए थे क्या सलाह दिए थे द फर्स्ट फोर डेज आफ्टर मैरिज ऑफ अ पेनेंस पेनन्स कहता शादी के चार दिन तक ना तपस्या है फर्स्ट फू डेज आफ्टर मैरिज आर फॉर पेनन्स तपस्या के लिए यू हैव टू स्लीप ऑन हार्ड ऑन हार्ड बेड को सोना पड़ेगा कड़ी बिछावन पर तो जमीन पर था बिछावन हम तो हटिके बोले थे वो हार्ड में जमीन पर था यू हैव टू अवॉइड बॉडी कॉन्टेंट और क्या वो लिखते थे कहते शारीरिक संबंध शारीरिक संपर्क नहीं करना है तपस्या है समझ गए आई डिसाइडेड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ माई रेस्पेक्टेड टीचर हम सोचे हाँ ठीक उसी की बात मानेंगे हमारे इज्जतदार शिक्षक हैं एंड आई वॉज वेटिंग फॉर सुशीला और हम लेटे हुए थे और इंतज़ार करें तो वो भी आएगी बगल में लेटेगी सडनली द बैक डोर ऑफ माई रूम ओपन तो दो डोर था तो बैक डोर खुल गया आई सॉ सुशीला इज माम सुशीला की मम्मी और उस कोक सिंह सुशीला और सुशीला कह रही थी बोल्ट द डोर फ्राम एन साइड एंड लाइक डाउन ऑन द बेड कहते बोल्ट लगा दो चिटकनी लगा दो वहाँ पे जाकर लेट जाओ पर द मदर क्लोज द डोर माँ बिछा, door, मां बिछा लगा दी सुशीला इट और तो, बो, 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 बोल्ट कर दी एंड स्टूड लाइक अ स्टैचू बाय द साइड ऑफ द डोर और वो क्या कहते हैं कि वार के बगल में एकदम तो मूर्ति की तरह खड़ी हो गई हमारे तो पेज सिक्स में पेज सिक्स आई एक्सपेक्टेड सुशीला वुड

हमको अपने पिछावन पर ले आएंगे मेरे हस्बैंड आफ्टर अ लॉन्ग वेटिंग शी लाउडली अन् बोल्टेड द डोर एंड वॉन्टेड टू वॉक आउट ऑफ माई रूम लेकिन जब हम नहीं गए उसको बुलाने के लिए तो अक्क आके गुस्सा के साथ झल्ला के कहिए वो क्या कहते हैं जल्दी से बोल्ट को कस के खोली और डोर से बाहर निकल जाना चाहती थी अब माई इंस्टिंक वर्क लाइक लाइटिंग मेरा इंस्टिंक जो है अंदर का जो होता है विज्ञान होता है अंदर ज्ञान जो है एकदम लाइट लाइटनिंग की तरह काम किया आई फॉर गॉट माई रिस्पेक्टेड मिथिला टीचर अपने शिक्षक को भूल गए आई जम्प्ट आउट ऑफ माई बेड कॉट्स हर हैंड एंड बोल्ट द डो उछले बिछावन से और शिक्षक का हाथ पकड़े और बोल्ट को बोल्ट लगा दिए छिटकिन लगा दिए अंदर से आई हेल्ड अ जेंटली एंड ब्लॉटेड टू माई बेड और सज्जन ताकि बहुत सज्जन से जेंटली अपने बिछान पर लाए आई ले डाउन तो ऑन माई बेड एंड सेट सॉफ्टली लाई डाउन हम लेटो बोले तुम भी लेट हो तो।

एन सर्कल्ड अ बॉडी एंड ब्रेस्ट जेंटली बट फर्मली और मेरा दायना बाँ जो है और हाथ जो है उसके बॉडी को घेर लिया और उसके छाती को भी घेर लिया जेंटली बट फर्मली खूब हल्का लेकिन एकदम जम के आई एम नॉट अ टाइगर आई वॉन्ट डिवाओ यू आई विश बोट क्लोज टू अ चिक उसके गाँव के पास हम घुस घुस आ जाकर अब, जा अब तुम तो भाग नहीं आए तुमको हम नगल जाएंगे अब हमारे फेज सेवन में माई वर्ड एंड माई एम्बरेस पुट एन एंड टू हर शिवरिंग और मेरे शब्द के कारण और मेरे आलिंगन के कारण उसका जो कांपना जो है बंद हो गया शी काम डाउन वो शांत हो गई वही नॉर्मल शीशेट जब नॉर्मल बन गई कुछ देर के बाद शीशेट द बारात वॉज सो ब्यूटिफुल बारात इतना सुंदर था हर फर्स्ट वर्ड वेयर ऑफ एप्रिसिएशन उसके पहले शब्द थे उसी में वो मेरा बढ़ाई कर दी मैंने मेरे बारात का बढ़ाई की मेरी बारात को आई फॉर ऑल द प्रेजूटिस आई हट फॉर्म अगेंस्ट था उसके अगेंस्ट जो भी हम प्रेजूटिस था गलत भावना था वो हम भूल गए इट वॉज अ लोकल मैरिज अ फ्रेंड ऑफ माइंड एट पॉइजन माई माइंड अगेंस्ट था एक मेरा दोस्त था दोस्त का दुश्मन है कि एक तरह से माइंड एट पॉइजन माई माइंड अगेंस्ट है उसको मेरे दिमाग में जहर भर दिया था दिया क्या भर दिया था क्या कहते वो बहुत गंदी लड़की है सब गंदा गंदा बात भर गया था थैंक्स गॉड द पॉइजन ऐट लिटल और नो इफेक्ट ऑन माई मैरिड लाइफ लेकिन वो जहर जो है मेरे दिमाग में कोई ख़राब असर नहीं डाला इसे अफवाह को ना नहीं फैलाना चाहिए उसको तो अंदाज जो जो पुरानी बातें नहीं भूलना चाहते हैं मोस्ट ऑफ द फर्स्ट नाइट वॉज स्पेंट इन गॉसिपिंग अधिकतर रात ना हम लोग गप ही करते रहे गॉसिपिंग इन द डार्कनेस अंधेरे में द बेड लाइट वॉज वेरी डिम और बेड लाइट जो था ना बहुत डिम था इसीलिए अंधेरे ही अंधेरा था सडनली शी सैट ऑन द बेड एंड सेट लाइक अ चाइल्ड आई वॉन्ट टू सी यू हटात वो बिछावन उठ गई प्लीज हम आपको देखना चाहते हैं पेज है पे तो फूल दैट आई वॉस आई थॉट शी वॉन्टेड टू सी माई प्राइवेट्स हम सोचिए हमको देखने में कौन भारी बात है हमको लगता है मेरा प्राइवेट अंग देखना चाहती है अ सेंस ऑफ शेम आई से उसे लज्जा भी लगा लेकिन कहते ठीक है हम लोग पुरुष है थोड़ा निर्लज होते हैं शी स्विच ऑन द लाइट एंड सो माई फेस फॉर द फर्स्ट टाइम लाइट जलाई और मेरा चेहरा वो पहली बार देखी यस शी वॉज मैरिड टू अ मैन लाइफ उसकी शादी उस पुरुष से हुई जिसको कभी जिंदगी में देखी नहीं थी तो यही है अरेंज मैरिज इसको अच्छा या खराब विथ प्लेज आई रिमेम्बर हर्ड्स जो आनंद के साथ उनके शब्दों को याद करते हैं आपके चेहरे से लगता है कि आप जो करना चाहिएगा कर लीजिएगा फ्रॉम योर फेस इट सीम्स यू विल डू वट एवर यू अटेम्प्ट ये मेरी प्रशंसा की आई वॉज इन सक्सेसफुल मैरिज लाइफ यू मस्ट नो दस्ट आर्ट ऑफ रैटरी शादीशुदा जीवन में ना ईमानदारी से झूठ बोलने आना चाहिए बड़ा ही प्रशंसा करना चाहिए हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे का उसी पर तो शादी है इन द नेक्स्ट पार्ट आई डिस्क्राइब टू यू हाउ यू स्टार्टेड अ कंजुअर लाइफ और इसके अगले हिस्से में बताएँगे हम लोग अपना कंजुअर लाइफ सेक्स लाइफ मैरिड में मैरिड लाइफ में सेक्स कैसे शुरू किए अगले हिस्से में हम बताएँगे दैट्स ऑल थैंक यू